सो हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा जी कि हर हर महादेव, जय शंभु, जय महाकाल। तो गाइस, आज मैं सुबह 4 बजे समथिंग 5 बजे मैं नहा धोवा के फ्रेश होके महाकाल का दर्शन करने गया हूँ, महाशिवरात्रि का पूजा किया हूँ। तो मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा गाइस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको गाइस, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ मौलापुर, ठीक है। और मेरे साथ साथ मेरी एक दोस्त है किरण सा, वो भी जा रही हैं। तो आज से 2 साल पहले वहाँ पे गया था तो झगड़ा हो गया था, वहाँ पे चढ़ नहीं पाया था, प्रोग्राम भी नहीं कर पाया था। और इस बार मैं जा रहा हूँ तो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं प्रोग्राम कर भी पाऊँगा या नहीं वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आई होप मैं ट्राई करूँगा जो कि मेरा प्रोग्राम वहाँ पे हो जाए। और आप सबको मैं एक बात बताऊँ, एक बहुत बड़ी बात है, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा सर आने वाले हैं वहाँ पे। आने वाले हैं क्या? वहाँ पे आ चुके हैं गाइज, तो आ चुके हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे अभी मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ उस मधानी महायज्ञ में। तो आप सबको मैं यही बोलूँगा गाइज, आप सब लोग यहाँ पे बने रहो और भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वीडियो को ऐसे ही वॉच करते रहो। और मैं क्या बोलूँ, अभी मैं यहाँ से गाइज निकल रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग अगर यहाँ पे बने हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और एकदम मौज करके, इंजॉयमेंट करके आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिए, ब्लॉग को वॉच कीजिए। तो गाइज मैं यहाँ से चलता हूँ। और जाने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ गाइज, जो कि हर हर महादेव, जय शंभु, जय महाकाल। चलिए, तो गाइज देखिए, मैं अभी यहाँ से अकेला निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ किरण जी के पास। किरण जी अभी वहाँ ब्यूटी पार्लर में मस्त अपने आप को मेकअप कर रही होंगी और मैं अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। और गाइज मैं कैसा लग रहा हूँ आप मुझे बताना ज़रा, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? कोई बात नहीं, जैसा भी लग रहा हूँ कमेंट कर देना भाई प्लीज़, जो भी हो क्योंकि बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था उधर जाने के लिए। मेरा तो वैसे वहाँ पे जाने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है ना, जो कि जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ नहीं होता है, जो चीज़ नहीं सोचते हैं वो चीज़ हो जाता है। वही है गाइस, अभी जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग बने रहिए। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये हमारे निखिल भैया का अपना फसल है, अपना दुकान है। और यहाँ पे बहुत ऐसे कस्टमर्स लोग आते हैं और अपना अपना मन चाहे यहाँ से ज्वेलरी लेकर जाते हैं। तो मैं आप सबको बता दूँ गाइज, अगर आप कभी भी यहाँ पे आइएगा ना तो एक बार हमारा निखिल ज्वेलर्स में जरूर घूमिएगा और आपको मन चाहे जैसा आपको यहाँ से कुछ भी मिल सकता है। आप जो भी यहाँ पे आ सकते हैं आराम से, मिनिमम रेट में और मिनिमम रूप में। यो, ये देखिए, ये हमारी दुर्गा पार्लर की दीदी और ये हमारी दोस्त। हेलो, कैसी हैं आप? सो गाइज देखिए, अभी हम लोग यहाँ से मौलापुर में जाने वाले हैं। हैप्पी शिवरात्रि पूजा आप सबको। और कैसे लग रही हूँ मैं? एकदम झकास। और मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। फिलहाल चलिए, लेट हो रहा है। तो गाइज देखिए, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी हम लोग फरारी के सहारे में बैठेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और आप सभी को बहुत सारा प्यार, प्लीज आप लोग बने रहिए। और पता नहीं आगे क्या होगा, हम लोगों को भी पता नहीं है गाइज, तो प्लीज आप लोग बने रहिए और प्यार करते रहिए। वो तो गाइज चलते हैं। तो गाइज देखिए यार, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अभी हम लोग इधर सड़क में हैं। वो भी देखिए, खाली घोड़े गाइज, पूरा एकदम बताइए बेचारी, पूरा शिवरात्रि का वो पूजा किए हैं। मैं भी पूजा किया हूँ। आपने पूजा किया कि नहीं किया? नहीं किया है। मौलापुर में करेंगे, मौलापुर में। तो गाइज आप देखिए, अब यहाँ से सफर मौलापुर के लिए स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए हम लोगों का गाड़ी, चलिए बैठिए, जाइए बैठिए आप। तो गाइस जैसे कि आप सब देख रहे हो, देखिए हम लोग इधर बरम चौक के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग इधर से कट चुके हैं और हमारी दोस्त आगे बैठी हैं। इधर देख दीजिए एक बार और आप भी देख दीजिए। ओ सर, आगे देखिए आप, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ से चल चुके हैं और अभी पता नहीं वहाँ का सिचुएशन क्या है। आई होप मुझे पता है वहाँ पे बहुत भीड़ होगा गाइस, मुझे पता है बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि हमारे बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 सर आ रहे हैं गोविंदा, ठीक है।
तो गाइस वही है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी गाड़ी में बैठे हैं, अभी देखिए अभी कितना दूर का सफ़र होता है, लेकिन आप लोग बने रहो गाइस, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो कि मेरा बात आप लोगों के पास पहुँचता रहे, और आप लोगों ने हमारा YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है गाइस वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत होता है और बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। प्लीज़ गाइस आप लोग भाई को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सपोर्ट कर लो, बस यही चाहिए। आप लोग देख सकते हो गाइस, देखिए हम लोग यहाँ मौलापुर में पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे लगभग पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे बात क्या है गाइस, ये देखिए यहाँ पे पूरा पब्लिक सब लोग यहाँ से जा रहे हैं उसी प्रोग्राम में, मदानी महायज्ञ में सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और हमारी किरण जी बहुत चिंतित है, काहे चिंतित है आप? चिंतित नहीं ना, भीड़ वो गाड़ी। अरे कोई बात नहीं, तो सबके लिए भीड़ ना है दोस्त, क्यों टेंशन कर रही है आप? तो गाइस बात यही है, हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ से देखते हैं क्या होता है और कैसे जाते हैं। देखिए सुनील पंडित गीत गा रहे हैं, वाह वाह। देखिए गाइस हम लोग मिनरल वाटर गीत गा रहे हैं सुनील पंडित जी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, लगभग पहुँच चुके ही हैं, अभी उतरेंगे तो पता नहीं अब कैसे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे और कहाँ पे जाके ठहरेंगे पता नहीं है गाइस। तो वही है गाइस, यहाँ पे तो आपको तो पता है बहुत सारे कलाकार आए हैं, यहाँ बहुत सारे भीड़ है, अब बहुत सारे यहाँ पे भीड़ है। ये देखिए अभी रोड पूरा जाम है, ये देखिए यहाँ से पूरा रोड जाम है गाइस। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे भीड़, और ये देखिए यहाँ पे गोविंदा सर आ चुके हैं, इस गाड़ी में नहीं दूसरे गाड़ी में आए थे। गाइस मैं स्टेज के पीछे खड़ा हूँ और पास ना होने की वजह से गाइस मुझे पीछे खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि बिना पास का एंट्री नहीं करने देते हैं लोग वहाँ पे, बहुत टाइट था सिक्योरिटी। तो गाइस मैं फाइनली एक घंटा पौन घंटा के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे सब डांसर लोग रेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ एकदम बेसब्री से अपने पाली का वेट कर रहा हूँ, और पीछे गोविंदा सर एकदम फाड़ू गीत गा रहे गाइस। बहुत ही का हो गया बा, कवनो प्रॉब्लम हो गया बा का? अच्छा सुनिए, मैं जिस फिल्म से आया हूँ उसी प्यार से निकलूंगा, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलाइए। जिस प्रयोजन के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं मैं ये समझा दूं, जिस यज्ञ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं मात्र 14 साल का था, 14 से 21 मैं गायत्री पूजन करता रहा और गोविंद से गोविंदा हो गया। हर वो बच्चा जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो पूजा प्रार्थना से जुड़ा हुआ है, जो माँ बाप से जुड़ा हुआ है, मैं ये सच कह रहा हूं, वो हर यज्ञ में, हर पूजा प्रार्थना में साथ दे और उसमें कभी वास्तु दोष नहीं देखे, किसी प्रकार की क्रिया में वो किसी प्रकार का दोष नहीं देखे, वो मात्र भक्त हो जाएंगे। मैं आप लोगों से वचन देता हूं कि आप भी आपकी जगह पे, जो जो ईश्वर ने आपको जगह दी है वहां पे आप गोविंद से गोविंदा हो जाएंगे। वाह, मैं ये वचन देता हूं। वाह, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीर्थ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और पांच गाने हो गए, अब यहाँ से हम प्यार से निकलेंगे। सर जाने से पहले सर, आपका संस्कृत का तो अद्भुत ज्ञान है, संस्कृत का कुछ मंत्र इन लोगों के लिए, खास तौर पे देवियों के लिए, कहीं हम लोगों ने जो क्रिया की है उसमें कमी रह गई है, त्रुटि रह गई है, तो ईश्वर माफ करे। सर्वे मंगल मंगल
और मैं यहाँ पे वीडियो करते करते क्या सोच रहा था गाइस, जो कि गोविंदा सर तो अब चले जाएंगे तो मैं डांस करके क्या करूँगा। तो गाइस मेरा पूरा मनोबल टूट गया और किसी ने मौका भी नहीं दिया। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइस, और ये सफ़र यहीं तक रहा। गोविंदा सर के साथ फ़ोटो खिंचाने का मेरा बहुत बड़ा सपना था, शौक था, क्योंकि जब मैं स्टेज के नीचे था तो माँ बोली थी कि बेटा सेल्फी लेके आना। सेल्फी तो नहीं ले सके लेकिन उनका एक वीडियो बनाया है जो आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। कोई बात नहीं, आज नीचे से देखा, किसी दिन पास से देखेंगे। नहीं वही है गाइस, सबूर रहना चाहिए इंसान के दिल में, और बाकी जो किसके साथ क्या कर रहा है वो सब सिर्फ अपने दिमाग में याद रखो, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ क्या किया है तो वही है, जो हुआ वो होने दो। चलिए गाइस चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही प्यार दीजिए गाइस। मैं आपको ऐसे ही रोमांचक ब्लॉग सब दिखाता ही रहूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।